Thank you very much. और अभी का जो टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ गोल्ड मार्केट, ये टॉपिक ऐसा है जिस पे मैं दिन में रोज मंडे टू फ्राइडे 6 बार हमें इस पर चर्चा करनी होती है अपने शो के दौरान कि गोल्ड का मार्केट कैसा लग रहा है। तो अभी ये बड़ा चैलेंज है कि जिस चीज़ के बारे में आप रोज़ बात करते हैं उसके बारे में आप नई बात क्या करेंगे। और चूंकि हमारे साथ तीनों वेटरन हैं मार्केट के और ये इंडस्ट्री को बहुत ही बेहतर तरीके से समझते हैं, तो ये आपको ज़्यादा बेहतर व्यू दे पाएंगे। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कुछ नई बात आपके सामने निकल कर आए ताकि आप ये समझ पाएँ कि 2019 का साल गोल्ड के लिए कैसा साल होने वाला है। इस पर काफ़ी कुछ लिखा जा चुका है, काफ़ी कुछ बातें हो चुकी हैं। तो अब चूंकि शुरुआत करते हैं, अब शुरुआती 3 महीने 2019 के बीतने वाले हैं, चंद्रशेखर सर मेरा आपसे ही पहला सवाल होगा कि 2018 का साल गोल्ड के लिए बड़ा ख़राब साल रहा, मतलब बहुत ही ख़राब साल रहा डिमांड के लिहाज से, प्राइस के लिहाज से। 19 को लेकर लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, 2019 को लेकर लोगों में काफ़ी एक्सपेक्टेशन है। और हमने इसलिए आज जब साल की शुरुआत में हमने एक शो किया था गोल्ड के ऊपर, हमने नाम दिया था हैप्पी गोल्ड ईयर, क्योंकि उस समय ये संकेत लगने लगे थे कि 2019 में गोल्ड की चमक बढ़ने वाली है। तो क्या आप अभी भी इस राय पर कायम हैं और आपको लगता है कि 2019 में अभी गोल्ड में बहुत कुछ होना बाकी है? बहुत कुछ होने से मतलब मेरा डिमांड से है, प्राइस से है, सप्लाई से है और एक एक ब्राइटर मार्केट से है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ 2019 गोल्ड के लिए 2018 से ज़रूर बेहतर रहेगा, इतना तो मैं बताता हूँ। बट बिफोर दैट मैं एक बात हमें समझना है। 2018 ले लीजिए आप, विश्व बाजार में माहौल बहुत बहुत ख़राब था, जिसका मतलब है कि आप क्रूड ऑयल को देखिए जो $60 प्रति बैरल से लेकर के $87 बाय अर्ली अक्टूबर एंड देन इट कोलैप्स टू $50 और क्लोज टू दैट। US फेडरल रिजर्व 4 बार रेट हाइक किया, डॉलर हैड अ फैंटास्टिक बुल रन the whole of 2018 and stock markets were doing exceedingly well. तो इसका असर जरूर हमें गोल्ड का ऊपर दिखाई दिया और खास करके ऑन द डिमांड साइड, जो कई लोग डिमांड साइड के ओर ध्यान ज़्यादा नहीं देते हैं और मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ उस तरह, तो डिमांड वॉज नॉट रियली रोबस्ट इन 2018। तो अभी वो जो माहौल है 2019 में, मैं समझता हूँ कि इट्स गोइंग टू चेंज। एंड क्या 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 परिवर्तन आएगा, क्या बदलेगा 2019 में, 2-3 मिनट में बताऊँ? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक है, द फर्स्ट प्रपोजिशन इज द US फेडरल रिजर्व विल प्रोबेबली हाइक रेट वंस एंड नॉट बियॉन्ड दैट। तो एक बार रेट हाइक हुआ, शायद मार्च में होगा या उसका बाद जून में होगा, पता नहीं बेस्ड ऑन डेटा। उसका बाद आई थिंक देयर बी अ पॉज रेट, देयर बी अ पॉज इन रेट हाइक। और मैं लगभग मेरा मन में तो ये तय है कि इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर डॉलर कमजोर होने लगेगा और उसका भी असर हमें गोल्ड मार्केट पर दिखाई देगा। तीसरा फैक्टर वेरी क्लियरली, इक्विटी मार्केट्स are going to get into a little bit of trouble in 2019, particularly when the dollar weakens and world's economic growth is going to start slowing down. Right. EU pehle hi slow hai, Japan slow hai, China slowing that we know. I expect the US economy to start slowing down in the second half of the year. To jiska asar hame zarur gold pe dikhai dega, because after all it'll become a safe haven. Safe haven asset for in 2019, particularly in the second half of the year, a weak dollar, a very weak economic growth around the world, weak equity markets, all this is going to combine to push the fortunes of gold. Gold ka jo bhav hai $1300 prati ounce ka aas paas jo wo ek range mein chal raha hai, main samajhta hu 1350 1360 1400 tak bhi जाने का उम्मीद में रखता हूँ इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर। और इसका क्या फायदा भारत को मिलेगा, हमारा देश में मिलेगा, इज अ बिग क्वेश्चन। मैं समझता हूँ इसका फायदा, गोल्ड जैसे ऊपर जाता है भाव, तो उसका उसका फायदा
हमें नहीं होता है क्योंकि यहाँ का भी गोल्ड का भाव ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर मैं रुपया का ऊपर काफी बुलिश हूँ। ओके, जैसे डॉलर वीक होता है तो रुपी विल स्टार्ट गेनिंग स्ट्रेंथ। आई एम लुकिंग द रुपी एट 67, आई एम लुकिंग एट द रुपी 67 टू 69, जिसका लक्षण हमें अभी दिखाई दे रहा है। तो रुपया का असर मजबूत होगा, मजबूत फिर उसका नेगेटिव इंपैक्ट गोल्ड पर नहीं दिखेगा इंडियन मार्केट में। नो नो, रुपया जैसे मजबूत होगा द लैंडेड कॉस्ट ऑफ गोल्ड विल बी चीपर। तो एक एक तरफ विश्व बाजार में डॉलर रेट बढ़ती जाएगा, दूसरी ओर हमारा रुपया मजबूत होगा तो द लैंडेड कॉस्ट विल बी टू दैट एक्सटेंट गोल्ड नीचे आएगा। टू दैट एक्सटेंट देयरफॉर इट्स गोइंग टू बी अ फाइट बिटवीन rising dollar prices and a stronger rupee which can potentially pull down help lower the landed cost of gold for it's going to be a very interesting nahi sir main interesting aapne aapne bada mahatvapurna baat kahi hai main aapse ye samajhna chahta hu aur ek minute ek aur ek hai central bank buying in 2019 mera andaaz se 300-350 ton ka सेंट्रल बैंक परचेज 2019 में आ सकता है ग्लोबली। दैट इज आल्सो गोइंग टू पुश। नहीं, एक इसी से मेरा जुड़ा हुआ आपसे एक सवाल और होगा। आपने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय हालात हैं उसको देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव $1400 के ऊपर भी जा सकता है, लेकिन दूसरी बात आपने कही कि इसका फायदा ये होगा कि रुपया मजबूत होगा। अगर डॉलर वहां पर वीक होता है तो रुपया मजबूत होगा, तो रुपया अगर मजबूत होगा तो ये गोल्ड में प्राइस के लिहाज से निगेटिव खबर है, मतलब दाम कम होंगे गोल्ड के इंडियन मार्केट में। तो अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि इंडियन मार्केट में प्राइस के ऊपर रुपए की मजबूती का ज़्यादा इम्पैक्ट होगा या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हालात जो आपने गिनाए डॉलर के, इकोनॉमी के और गोल्ड के, तो इंडियन मार्केट पर ज़्यादा इम्पैक्ट करेंसी का होगा या अंतर्राष्ट्रीय बाजार की चाल का? इसके पहले मैं बोलना चाहता हूँ, आप जो नेगेटिव इम्पैक्ट समझते हो यानी रुपया मजबूत होगा तो द लैंडेड कॉस्ट ऑफ गोल्ड विल डिक्लाइन इन द इंडियन मार्केट, मैं आई डोंट सी दैट एज अ नेगेटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव पॉइंट, मैं उसको पॉजिटिव पॉइंट मानता हूँ। जितना सोना का भाव हमारा देश में कम होता है उतना ज़्यादा डिमांड निकलेगा। मेरे ख्याल से 30,000 rupees पर 10 ग्राम्स, इसको आई कॉल दैट एज एन इकोनॉमिस्ट, आई कॉल इट ए बाइटिंग पॉइंट। 30,000 rupees से जब ज्यादा जाता है सोने का भाव, देर विल बी एंड देर इज एंड वी हैव सीन डिमांड कंप्रेशन। 30 से 31,000 चला गया और भी डिमांड कम होगा, 32,000 और भी डिमांड कम होगा, तो 30,000 अब तक तो एक साइकोलॉजिकल एक प्राइस है, आई कॉल इट द बाइटिंग पॉइंट बियॉन्ड विच डिमांड स्टार्ट्स टू कंप्रेस। ठीक है। अब चिराग शाह, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि कई जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी हैं उनका ये अनुमान है कि 2019 में गोल्ड के दाम काफ़ी बढ़ने वाले हैं। गोल्डमैन ने कहा है कि 2019 में गोल्ड का भाव $1425 तक भी जा सकता है। LBMA ने भी कहा है कि $1400 के ऊपर जाएगा भाव, और जो सिग्नल हैं वो फेवरेबल इसलिए हैं जो बात अभी चंद्रशेखर जी ने कही कि अंतर्राष्ट्रीय हालात या फेड की तरफ से कोई बड़ी बढ़ोतरी इंटरेस्ट रेट में नहीं होने वाली है। बिल्कुल ठीक बात है, जियो पॉलिटिकल टेंशन सामने है। और एक और अहम बात यह है, अभी अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड वार के हालात बने हैं ये मार्च से खिसक कर अप्रैल में चला गया। ट्रंप का ट्वीट आया है कि 3-4 हफ्ते और लगेंगे इस पर फाइनल बातचीत होने में। और अब एक नई बात सामने आ रही है ट्रेड वार को लेकर। अब तक तो ये जो एक दूसरे देशों के ऊपर ड्यूटी लगाते थे उसके आधार पर ये ट्रेड वार चल रहा है, लेकिन अब नई खबर ये आ रही है कि अगला ट्रेड वार पाम तेल के ऊपर हो सकता है। और वो इसलिए क्योंकि यूरोपीय कमीशन ने जो बायोफ्यूल में पाम तेल का इस्तेमाल होता है उस पर रोक लगाई है। अब इंडोनेशिया मलेशिया इससे नाराज है। तो इन तमाम हालात को देखते हुए क्या आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर $1425 तक गोल्ड का भाव जाता है तो घरेलू बाजार में अब की बार 35,000? देखिए, यहाँ पे दो चीज है जिसे मैं चंद्रशेखर जी से सहमत हूँ कि जैसे हमारा खुद का एस्टिमेट है $1450, अगर आप हमारे हिसाब से गोल्ड एक मिनी बुल रन में एंटर कर चुका है। और मैं चंद्रशेखर जी के बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि प्रोबेबली जून के बाद ये मिनी बुल रन प्ले आउट होना शुरू हो जाएगा और अगले 2-3 साल में हमें गोल्ड में तेजी दिखाई देगी और शायद $1500-$1600 दिखाई देंगे। अब दूसरी बात ये भी सही है कि रूपी जो है शायद पोस्ट इलेक्शन रूपी में एक स्ट्रेंथ आ जाएगा, क्योंकि वो डिपेंड ऑन डिसाइसिव मैंडेट आता है नहीं आता है, ये काफी सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। बट सो
दो सिनारियो होते हैं, तो स्ट्रेंथ कैसे आएगा जब अब अभी कंफ्यूजन है। मैं वही बोल रहा हूं, मैंडेट के लिए दो सिनारियो हो जाएगा, राइजिंग गोल्ड इंटरनेशनल डॉलर गोल्ड प्राइसेस, फॉलिंग रूपी गोल्ड प्राइसेस। हावेवर इसका डिमांड पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आ जाएगा। आप देखिए, अगर आप लास्ट 15 साल की इंडियन डिमांड की जो हिस्ट्री दे और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अगर आप फिगर देखिए, जब जब भाव में बहुत ज्यादा बढ़त आ जाती है उस साल डिमांड कम हो जाती है, और उसके नेक्स्ट ईयर जब कंज्यूमर को ये लग जाता है कि अब ये भाव एक सेट हो गया है, नेक्स्ट ईयर डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाता है। इसी का फायदा 2019 में होगा, चूंकि इंटरनेशनल में दाम बढ़ते जाएंगे, इंडिया में शायद रुपी थोड़ा स्ट्रेंथ करेगा, उससे लोगों को ये लगेगा कि बॉस मुझे ये जो अपॉर्चुनिटी आज मिल रही है प्राइस की, ये मैं शायद मिस ना कर जाऊं, उससे एक डिमांड, नई वेव ऑफ डिमांड मार्केट में आ जाएगी। ठीक है, सो उसका फायदा एक्चुअली ज्वेलर को होगा, जब इंटरनेशनल भाव ऊपर जाएंगे और इंडिया में भाव शायद स्टेबल होंगे, नीचे तो नहीं आएंगे, 35,000 नहीं जाएगा, 35,000 तो मुझे नहीं जाएगा। ठीक है फजल गुप्ता जी, अब मेरा आपसे सवाल होगा, जो कि डिमांड के ऊपर बात हो रही है, और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC का ये मानना है कि 2019 में भारत में गोल्ड की डिमांड पिछले 10 साल के एवरेज से ज़्यादा रहने वाली है। इसका मतलब ये है कि अपर साइड में जो WGC ने टारगेट दिया है वो 860 टन का दिया है, और जो 10 ईयर एवरेज डिमांड है वो 838 टन के आसपास है। क्या ग्राउंड पर ये रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है, क्योंकि अभी चुनाव होने हैं और ये तर्क दिया जा रहा है कि चुनाव के दौरान जो लिक्विडिटी है वो ग्रामीण इलाकों में बढ़ेगी, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा, तो आप एग्री करते हैं, और या फिर जो ग्राउंड रियलिटी है क्या इसको सपोर्ट कर रही है कि वाकई डिमांड बढ़ने वाली है इंडिया में गोल्ड की, आपका अपना असेसमेंट क्या है? देखिए, प्राइमरली अगर आप गोल्ड को किसी एसेट क्लास से कंपेयर करते हैं, इक्विटीज से या रियल एस्टेट से, माई अंडरस्टैंडिंग इज अगर गोल्ड बहुत टाइम तक सप्रेस रहता है तो उसकी इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी हद तक नीचे गिर जाती है। कंजम्पशन डिमांड गोल्ड की हमेशा अच्छी रहेगी, पर जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है उसके कारण प्राइस में तेजी आएगी या नहीं आएगी वो डिपेंड करता है। लाइक एनी अदर एसेट, अगर रियल एस्टेट में तेजी है तो लोगों को बाइंग इंटरेस्ट ज्यादा है। माई अंडरस्टैंडिंग इज की इंडिया में आज की रेट में पिछले कुछ समय से गोल्ड रेंज बाउंड रहा है, तो अभी 2019 में थोड़ा उम्मीद है कि भाई स्ट्रक्चरली भी गोल्ड थोड़ा बुलिश लगता है, काफी टाइम कंसोलिडेशन हुआ है। एक बेसिक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि गोल्ड का प्राइस जो है वो बहुत टाइम तक सरप्राइज नहीं रह सकता। नहीं, फजल गुप्ता जी, गोल मोल नहीं, आप साफ साफ बताइए कि ये जो दावा किया जा रहा है WGC की तरफ से कि 10 साल के औसत से ज्यादा डिमांड रहेगी 2019 में, आप इससे एग्री करते हैं या नहीं? एग्री करता हूँ, और उसके दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरे ये है कि इक्विटी के रिटर्न हैव बीन सप्रेस्ड इन द लास्ट, अगर आप दो साल देखेंगे तो एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी हैज बीन स्लाइटली लोअर, नंबर वन। नंबर दो, जो आपने कहा कि भाई लोगों के पास पैसा ज्यादा पहुंचता है इलेक्शन ईयर में, सो आई थिंक दैट वुड क्लियरली हेल्प द गोल्ड डिमांड। आई थिंक अगर रूरल सेमी अर्बन टीयर टू सिटीज में अगर लोगों के पास कैश फ्लो बढ़ता है तो क्लियरली गोल्ड डिमांड को हेल्प करेगा। सो आई एम ऑन इट दैट ब्रॉडली इंडिया में गोल्ड डिमांड 2019 में हर तरीके से 2018-17 से बेहतर रहेगी। ठीक है, अब चंद्रशेखर सर, मैं आपसे इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल उसमें थोड़ा आगे बढ़ा दूं कि आमतौर पर जब गोल्ड डिमांड की बात की जाती है पूरे साल की, उसमें मानसून एक अहम फैक्टर होता है, और अभी मानसून का कोई ऑफिशियल अनुमान आया नहीं है, और उससे पहले ये दलील देना कि 2019 में काफ़ी डिमांड बढ़ जाएगी गोल्ड की, क्या आपको नहीं लगता कि प्रीमेच्योर ये सोचना है? एब्सोल्युटली मृत्युंजय, यू यूज द करेक्ट वर्ड, इट्स प्रीमेच्योर। क्यों प्रीमेच्योर है मैं बताता हूँ। दो चीजें, पिछले दो साल में ग्रामीण क्षेत्र में हमारा देश में आमदनी बढ़ी नहीं है, आमदनी घट गया है, आमदनी बढ़ा नहीं है, वेदर इट इज रूरल वेजेस और एग्रीकल्चर कमोडिटी प्राइजेस, दे हैव बीन फेयरली सप्रेस्ड, एंड दैट इज व्हाई वी फाइंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस इज वन। सेकेंड, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज ओवरनाइट। दूसरा है, हमारा देश में 2019 में एक खतरा उभर आ रहा है जो है एल नीनो का। वी ऑलरेडी हैव इंसिपिएंट सिग्नल्स of a weak El Nino until May. And now there are emerging signals of El Nino between June and September. वो क्या एकदम कमजोर El Nino होगा, moderate होगा, सीवियर होगा, अब बता नहीं पाएंगे। शायद IMD का आएगा forecast by the end of April, तभी हमें पता लगेगा, मगर it is a looming threat. And therefore, without taking into account
this looming threat, the existing low levels of income in the rural areas, lack of disposable income, farmer rural distress, those sab dekhte hue, aur ye jo mausam ka khatra hai wo dekhte hue, it will be too premature to talk about a significant increase in demand for gold. In India, paisa kahan hai? Gramin kshetr mein logon ka paas, they don't have additional disposable income. Ab aap bologe sarkar ne bhi 2000 rupiya de diya hai, aur bhi 4000 rupiya pahunch jayega logon ka paas. That's not big money, really speaking. For buying gold. Yes, Amrita ji. Not big money for buying gold. Iske upar ek comment karna chahta hu. We are the official data providers to World Gold Council. To aapne sawal pucha to iske liye main iska jawab zarur dena chahunga. I think do se teen cheeze jo logon ko samajhni zaruri hai, wo rural demand jab aap kehte aur hamari khud ki estimate hai ki 60% of gold demand is rural India. But I think what is one thing that people need to understand is rural demand is not just agricultural demand. In fact, hum har saal 200-300 jewelers ko milte hain aur kafi chote shehron mein jate hain. Ek cheez jo samajhna zaruri hai ki rural India mein sabse zyada development ho rahi hai. In fact, there is more industrialization which is happening in rural India than it is happening anywhere in this country. Which means agar aap pure agricultural income ya agricultural income holders jo gold demand mein contribute karte hain, wo filhal sirf 15-18% hai. बाकी जो आपकी डिमांड है, जो 80% 80-85% ऑफ आपकी डिमांड है, वो प्योर नॉन एग्रीकल्चरल या अलाइड डिमांड है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड. नहीं नहीं, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन आप चूंकि आप कह रहे हैं कि आप डब्ल्यूजीसी को डेटा प्रोवाइड करते हैं, तो डब्ल्यूजीसी को फिर आप ये डेटा क्यों नहीं देते जो अभी आप हमें बता रहे हैं? क्योंकि डब्ल्यूजीसी तो अपनी रिपोर्ट में यही लिखता है, जब मानसून की बात बिल्कुल प्रमुखता से करता है डब्ल्यूजीसी अपनी रिपोर्ट में, कि मानसून अच्छा है तो ग्रामीण इलाकों में डिमांड बढ़ेगी, खराब है तो डिमांड कम होगी. और जो आप जो बाकी सेक्टर की बात कर रहे हैं, अलाइड सेक्टर की बात कर रहे हैं, उसका जिक्र तो मेरे ख्याल से नहीं होता है. अगर आप बता दिए कि मॉनसून की इम्पैक्ट जरूर है, बट आप ये भी देखें, नीति आयोग की लेटेस्ट रिपोर्ट है कि सिर्फ 39% ऑफ इंडिया इज नाउ dependent on agriculture. ये लेटेस्ट नीति आयोग की रिपोर्ट है, which means people are moving out of agriculture, और उनकी रिलेशन मानसून में कम होती जा रही है. अगर मानसून का इतना ही इम्पैक्ट, देखिए मानसून का इम्पैक्ट जरूर है डिमांड पे, बट आज से शायद 15 साल पहले या 10 साल पहले जितना मानसून का इम्पैक्ट था उतना नहीं है. अगर मानसून का इतना ही इम्पैक्ट होता तो लास्ट 5 साल में अगर आप गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड देखे, हैज बीन फेयरली रेजिलियंट कंपेयर टू द प्रॉब्लम्स दैट दिस इंडस्ट्री. चलिए ठीक है, अब डिमांड की बात हो गई, प्राइस की बात हो गई, और प्राइस में ये बात निकल कर आई कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1400 के ऊपर दाम जा सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर दिखेगा, लेकिन उतना नहीं दिखेगा क्योंकि रुपया मजबूत हो जाएगा. तो आप अगर वहां पर बड़ी तेजी देखेंगे तो उसका सीधा रिफ्लेक्शन आपको इंडियन मार्केट पर नहीं दिखेगा. यहां पर भी तेजी रहेगी, लेकिन रफ्तार अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुकाबले धीमी रहेगी. अब अगला सवाल मेरा ये होने वाला है, चूंकि गोल्ड मार्केट को लेकर कई चैलेंजेज हैं, कई सारे इश्यूज हैं. एक तो जीएसटी का इशू है, इम्पोर्ट ड्यूटी का इशू है. 2013 में गोल्ड पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 10% की गई थी, उसके बाद 3% की जीएसटी लगाई गई, तो अब गोल्ड के ऊपर कुल 13% टैक्स है अगर हम मोटे तौर पर देखें तो. और जब इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने की दलील दी जाती है तो उसके पीछे लॉजिक ये होता है कि ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी से गोल्ड की स्मगलिंग बढ़ रही है. लेकिन जो ताज़ा आंकड़े हैं डब्ल्यूजीसी के, उसमें ये दावा किया गया है कि 2018 में 2017 के मुकाबले जो स्मगलिंग है, गोल्ड की तस्करी है, वो कम हुई है, और ये 115-20 टन से घटकर 90-95 टन के स्तर पर आ गई है. तो अब मेरा सवाल सर आपसे ये होगा, तो क्या ऐसे में माना जाए कि अब ड्यूटी घटाने की जरूरत नहीं है गोल्ड पर, या घटानी चाहिए? इसका जवाब मैं जब दूंगा, मेनी ऑफ द इंडस्ट्री फ्रेंड्स, द ट्रेड फ्रेंड्स विल नॉट लाइक इट, बट आई एम एब्सोल्युटली चिंता नहीं करनी है सर. मैं वो तो मैं कई बार टीवी में भी बोला हूँ, लिखा हूँ इसके बारे में वेरी क्लियरली. गोल्ड इज अ डीमेरिट गोल्ड, नंबर वन. नंबर टू, इट्स अ बिग रेवेन्यू जनरेटर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. वी नीड रेवेन्यूज फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज. देयरफॉर गोल्ड का ड्यूटी घटाने का कोई, देयर इज नो जस्टिफिकेशन, दिस इज नंबर वन. नंबर टू, स्मगलिंग के बारे में भी मेरा एक ये राय है, हम वो जमाने में नहीं है, वो 60 और 70 के दशक में व्हेन देयर बोट यूज्ड टू कम फ्रॉम दुबई और वेर एवर, एंड रात को जो हम फिल्म में देखते थे ना स्मगलिंग जैसे होता था, आई थिंक वी आर फार अवे, वी हैव मूव्ड फार अवे फ्रॉम दैट. आजकल टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है, सर्विलेंस इतना बढ़ गया है, हमारा बॉर्डर कंट्रोल इतना बढ़ गया है, इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट
to smuggle gold on a very large scale. Okay. Number one. Number two, because of the surveillance, very strict. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ smuggling हो ही नहीं रहा. हाँ, हो रहा है कम हो रहा है. जरूर हो रहा है. But I've heard and read reports कि 150 टन का smuggling है, 200 टन का smuggling. I don't believe so. And I also track how much of the smuggled gold is caught at the borders by customs. And even if you raise it 10 times, समझो आप सिर्फ 10 बार smuggling हुआ, एक ही पकड़ा आपने, तो जितना पकड़ा उसको 10 गुना आप convert करके देखिए, फिर भी it would be something like 25, 30, 40, 50 tons at best. इससे ज़्यादा नहीं होगा. 50 टन बहुत बड़ा quantity है. इसमें कोई शक नहीं है. But आगे जा करके we need to be a lot more strict in controlling smuggling. Okay. But to raise the bogey कि यार आप duty नहीं घटाओगे तो smuggling बढ़ जाएगा is a bogey which unfortunately I'm not able to. ठीक है सजल गुप्ता जी, आपके हिसाब से import duty घटनी चाहिए gold पर या नहीं घटनी चाहिए, बिल्कुल संक्षेप में. See from a country perspective gold पे import duty घटाने का कोई औचित्य नहीं घटनी चाहिए. आप क्या मानते हैं, duty घटे या ना घटे? I don't think कोई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है ड्यूटी घटाने के लिए फ्रॉम अ गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो तीनों पैनलिस्ट इस बात को लेकर सहमत हैं कि इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं घटनी चाहिए. तो जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो मान के चल रहे हैं कि ड्यूटी घटाने की जरूरत है, उनको थोड़ी निराशा होगी, लेकिन ठीक है, अब पैनल का अपना व्यू हो सकता है. अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, वक्त कम है. एक बहुत बड़ा डिबेट काफी लंबे समय से चल रहा है गोल्ड को लेकर, और सरकार भी ये समझ रही है कि ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए फिजिकल गोल्ड पर डिपेंडेंसी कम की जाए, इंपोर्ट कम हो, इसको लेकर सरकार ने भी जोर दिया है, और इसीलिए गोल्ड बॉन्ड का नया कॉन्सेप्ट आया है. लेकिन गोल्ड बॉन्ड को या फिर जो बाकी फॉर्म है गोल्ड के, उसको उतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, और फिजिकल गोल्ड के प्रति जो लोगों का आकर्षण है वो कम नहीं हो पा रहा है. तो इसको लेकर क्या कुछ किया जाना चाहिए? मिस्टर गुप्ता, पहले मेरा सवाल आपसे ही होगा कि क्या आपको लगता है कि गोल्ड बॉन्ड या फिर जो बाकी फॉर्म है ई गोल्ड के, डिजिटल गोल्ड के, उसको कामयाबी मिलने में देश में वक्त लगेगी कंपेयर टू फिजिकल गोल्ड? देखिए, गोल्ड एक जो टच एंड फील वाली फीलिंग है वो कभी नहीं जा सकते. सो आई थिंक इट वुड बी ग्रेजुअल. खाली इन्वेस्टमेंट डिमांड जो गोल्ड में आ रहा है वो आप डीमैट फॉर्म या ई गोल्ड में ले जा सकते हैं, बट जो टच एंड फील का जो कंजम्पशन गोल्ड डिमांड है, आई थिंक दैट वुड नेवर गो. सो प्राइमरली दिस इज मूविंग एंड पीपल आर लॉट एजुकेटेड, और गोल्ड लोन, गोल्ड बॉन्ड्स में 2-3% ब्याज भी मिलता है. सो आई थिंक फ्रॉम ए इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव इट इज आई थिंक any day better than investing in physical gold. Better तो है, लेकिन चंद्रशेखर सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि better है, 2.5% का ब्याज भी मिल रहा है, और भी कई टैक्स बेनिफिट हैं गोल्ड बॉन्ड में, उसके बाद भी इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा टूल बनकर सामने क्यों नहीं उभर पा रहा है गोल्ड बॉन्ड? क्या दिक्कत है? गोल्ड बॉन्ड स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट ठीक है 2.5%, वैसे भी गोल्ड इज एन अनप्रोडक्टिव एसेट, कुछ रिटर्न मिलेगा नहीं कभी, मगर ये 2.5% अभी मिल रहा है इज गुड. बट लुक एट फॉर एग्जांपल, यू नीड टू लॉक इन योर मनी फॉर 8 years, करेक्ट? 8 साल है ना, आफ्टर 5 years यू कैन लिक्विडेट. एंड व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ गोल्ड 5 years फ्रॉम नाउ और 8 years फ्रॉम नाउ? आई एम एक्चुअली बुलिश ऑन द रूपी. आई एम एक्सपेक्टिंग रूपी टू बी 55, बिटवीन 50 and 55 7 to 8 years फ्रॉम नाउ. एंड आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग वर्ल्ड ग्लोबल gold prices to decline probably closer to $1,000 or even $850 8 years from now. तब क्या होगा लोगों को, ये जो 2.5% का जो इंटरेस्ट है उससे ज्यादा नुकसान हो. This is my expectation. And ऐसा नहीं, मैं एक सेकेंड, ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही होने वाला है, ये नहीं बोल रहा हूँ, but this is one of the scenarios. ऐसा भी हो सकता है. नहीं सर, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, जो है उस पर बात नहीं करने, हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें और क्या होना चाहिए ताकि ये लुक्रेटिव लगे. क्या होना चाहिए इसको और बेहतर बनाने के लिए, क्या करें ताकि सरकार को कामयाबी मिले? सच बोलूं तो I have not applied my mind on this. How to make it more attractive? I don't think I'll have. दो चीजें इसके अंदर, एक तो ये जो बॉन्ड है इसे सरकार ने ओपन रखना चाहिए, एक म्यूचुअल फंड जैसा होना चाहिए. अगर मैं निवेश करना चाहूँ तो उसे निवेश कर सकता हूँ. आप मुझे ये नहीं कह सकते मैं इस टाइम पे निवेश करूँ, क्योंकि जैसे इसके पहले जैसे बॉन्ड ओपन, क्योंकि ये जरूर देखा गया भाव नीचे आ गया, मुझे खरीदना है, पर बॉन्ड ओपन ही नहीं है. ओके. और दूसरा जो चंद्रशेखर जी ने कहा कि उसमें एक
मैं प्राइस के ऊपर हम डिबेट जरूर कर सकते हैं, पर उनकी ये बात सच्ची है कि बॉन्ड की शायद मैच्योरिटी थोड़ी कम होनी चाहिए ताकि लोग इसके अंदर एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तरीके देख सके, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर. आप अगर किसी को भी 5 ईयर 8 ईयर देखोगे विद अ प्राइस फ्लक्चुएशन, यस यू नो इज अ प्रॉब्लम. एंड तक और ये समझिए काफी कंज्यूमर जो होते हैं इन्वेस्टर इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, वो अपने ब्रोकर या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ने कुछ कहा उन्होंने ले लिया और फिर उन्हें पता चलता है शायद मुझे नहीं करना चाहिए. मेरे हिसाब से एक ओपन एंडेड बॉन्ड होना चाहिए और दूसरी बात इसकी मैच्योरिटी शायद 2 ईयर 3 ईयर होनी चाहिए, होराइजन जो है 8 साल से. और मार्केटिंग गवर्नमेंट की तीनों स्कीम में अगर आप देख लीजिए, गोल्ड कॉइन देख लीजिए, आप गोल्ड बॉन्ड देख लीजिए, मार्केटिंग जो है वो मिसिंग है. नहीं, मार्केटिंग मिसिंग है और सरकार को ये भी हासिल नहीं हो पा रहा है जो सरकार का मेन मकसद था कि इंपोर्ट पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो. इंपोर्ट तो अब 19 में बढ़ने की बात ही की जा रही है कि 10 साल के एवरेज से ज़्यादा होगा 10% ड्यूटी के बाद भी. तो इंपोर्ट पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो, फिजिकल गोल्ड पर डिपेंडेंसी कम हो, इसको लेकर आपको लगता है कुछ और बड़े कारगर कदम उठाने की जरूरत है? नहीं मृत्युंजय जी, आज देखना बहुत जरूरी है कि अगर हम इंडिया की कंजम्पशन देखें तो आप ज्वेलरी कंजम्पशन जो है वो काफी रेजिलिएंट है, वो 600 टन के आजू बाजू ज्वेलरी कंजम्पशन जरूर रही है. आपकी इन्वेस्टमेंट डिमांड लास्ट 4 साल में आधी हो गई है, 4 से 5 साल में 300 टन से इन्वेस्टमेंट डिमांड 160 टन हो गई. आपको ये समझना जरूरी कि जो गोल्ड बॉन्ड है इसमें कौन लोग जाते, इसमें जो इन्वेस्टर है वो शिफ्ट हो गए, आपके ज्वेलरी वाले नहीं शिफ्ट हो गए. दूसरी बात है, आपको इन्वेस्टर्स को अगर आपको इंपोर्ट करना है तो एक आपको एक कारगर अल्टरनेटिव देना बहुत जरूरी है और आज हमारे पास फिलहाल एक कारगर अल्टरनेटिव नहीं है. मैं फिजिकल से मूव हूं. ठीक है, आप कह रहे हैं कि गोल्ड की डिमांड आधी रह गई है, इसके पीछे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट डिमांड. ठीक है, लेकिन वैसे भी जब गोल्ड खरीदने लोग जाते हैं, ज्वेलरी खरीदने, तो लोगों के मन में इस बात की आशंका रहती है कि पता नहीं जो ज्वेलरी वो खरीद रहे हैं वो प्योर है भी कि नहीं है, और इसको लेकर आशंकाएं रहती हैं. अभी हालांकि इसके ऊपर एक बड़ा पैनल होने वाला है, अनिल जी एक बड़े पैनल को होस्ट करेंगे हॉल मार्किंग के ऊपर, लेकिन अगर हॉल मार्किंग अप्रैल से मैंडेटरी हो जाती है तो जो डिमांड का कंसर्न है इनका कि डिमांड आधी रह गई है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आप देख रहे हैं मिस्टर गुप्ता? देखिए, जितनी क्वालिटी एश्योरेंस होगी उतनी मार्केट बढ़ेगी, एक बेसिक सा कंसेप्ट है. हॉल मार्किंग कंपलसरी होनी चाहिए, बहुत ही क्लियर है, लोग आंख बंद करके विश्वास करके खरीद सकते हैं. सो आई थिंक दिस इज डेफिनेटली अ गुड स्टेप एंड दिस वुड हेल्प द डिमांड अनडाउटेडली. आपका सर क्या असेसमेंट है इसके ऊपर? बिल्कुल, इनफैक्ट मार्केट का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. हॉलमार्किंग कंपलसरी होना चाहिए, मगर डू वी हैव दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन द कंट्री? हमने उसमें भी हमें वी नीड टू इन्वेस्ट इन बिल्डिंग एडिक्वेट फेयरली वाइड स्प्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हॉलमार्किंग. आई थिंक दैट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री. तो उससे कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़ने से डिमांड भी बढ़ने का संभावना बढ़ जाता है. बिल्कुल ओके, तो आप कह रहे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इससे डिमांड में बढ़ोतरी होगी. अब मेरा एक से आपसे एक और महत्वपूर्ण सवाल होगा, करेंसी मार्केट को लेकर काफ़ी कुछ चर्चा हो रही है और अब 2019 का साल करेंसी मार्केट के लिए भी अहम साल होने वाला है. चुनाव के क्या नतीजे होंगे उसके बाद करेंसी मार्केट पर हम उसका इम्पैक्ट देखेंगे. तो जो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग ट्रेड करते हैं, करेंसी को डिस्काउंट करके किस तरह से प्लानिंग करें ताकि एक करेंसी प्रूफ ट्रेड हो पाए? क्योंकि अभी किसी को पता नहीं होगा क्या करेंसी में. देखिए, आप अगर इंडिया में खरीद रहे हो तो आप करेंसी को डिस्काउंट नहीं कर सकते. नहीं, मतलब कुछ ऐसा टूल्स ऐसा आप मतलब बता पाए टूल के कि उसके इंपैक्ट को मिनिमाइज कर पाए, अगर खत्म नहीं भी कर पाए. देखिए, टूल तो एक है कि जैसे करेंसी फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं आप उसे हेज कर सकते हैं, बट अदरवाइज टू अ रिटेल स्मॉल इन्वेस्टर टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसे कोई अवेलेबल नहीं है ऑप्शन जिन्हें आप हेज जरूर कर सकते हो, पर उसमें भी शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है, मुझे हर 2-3 महीने में रोल ओवर करने पड़ेंगे. तो वैसे कोई एज अ रिटेल इन्वेस्टर करेंसी से आप भाग नहीं सकते. ठीक है सर, लेकिन चंद्रशेखर सर मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ. गोल्ड तो ठीक है, ये लॉन्ग टर्म की हमने बात कर ली, लेकिन मार्केट इतना हाल के दिनों में फ्लक्चुएट हुआ है और उसमें ट्रंप के ट्वीट की अहम भूमिका रही है. ट्रंप के एक ट्वीट से बाजार की चाल बदल जाती है, तो इस खतरे से कैसे बचा जाए? हाँ, इसके लिए तो है एज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल यू हैव द फ्यूचर्स ट्रेडिंग. मार्केट्स आर वोलेटाइल और व्हेन मार्केट्स आर वोलेटाइल यू नीड रिस्क मैनेजमेंट टूल्स एंड यू हैव रिस्क मैनेजमेंट टूल्स अवेलेबल थ्रू कमोडिटी फ्यूचर्स एक्सचेंजेस, फ्यूचर्स ट्रेडिंग ऑफ ऑप्शंस. यू कैन लुक एट ऑप्शंस आल्सो एज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज. सो इसमें वी हैव नो कंट्रोल ओवर द एक्सटर्नल फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द मार्केट.
तो अभी यूएस फेडरल रिजर्व का ऊपर हमारा कोई काबू नहीं है, ट्रंप का ऊपर हमारा काबू नहीं है, दीज आर अनसर्टेनिटी, वी नीड टू टेक ऑन बोर्ड एंड देन हैव आवर रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज इन प्लेस. बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का ये बताने के लिए कि गोल्ड का मार्केट 2019 में कैसा रहेगा. मोटी तौर पर तीन बात सामने निकल कर आई है, एक तो ये कि 2019 में गोल्ड के दाम बढ़ेंगे ये तय है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जितनी तेजी आएगी उतनी तेजी घरेलू बाजार में नहीं आएगी, ये तीनों पैनलिस्ट का इस पर एक मत है. दूसरी महत्वपूर्ण बात, डिमांड बढ़ने की बात हो रही है, लेकिन डिमांड कितनी बढ़ेगी ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि मानसून कैसा रहता है. और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर अप्रैल से हॉलमार्किंग मैंडेटरी हो जाती है तो गोल्ड की डिमांड में आपको एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा. बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए. Thank you very much, and let's put our hands together for the entire panel. I'd like to request Mr. Kantilal Mehta of Silver Emporium and Mr. Mahesh Verma of Orissa to kindly come up and present mementos to our panel. To Mr. Chirag Sheth. To Mr. G. Chandrasekhar. To Mr. Sajal Gupta. And to Mr. Mrityunjay Jha. To Mr. Mrityunjay Jha. Could we have a group photograph of all our dignitaries on stage? Thank you very much once again to Mr. Chirag Sheth, Mr. G. Chandrasekhar, Mr. Sajal Gupta, Mr. Mrityunjay Jha. Thank you to our presenters, Mr. Kantilal Mehta and to Mr. Mahesh Verma.